ठाकुर बोलेगा तो बिंदास बोलेगा, ठाकुर के बिंदास बोल में मैं उमेश ठाकुर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों रिव्यू करूंगा मराठी फिल्म टीजर गारुड़, जो 25 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली है और आज मैं इसका टीजर रिव्यू कर रहा हूँ। हालांकि लेट हो रहा है लेकिन फिर भी इसका रिव्यू करना चाहता हूँ। इसका कारण ये है कि ये फिल्म हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री फिल्म है और इसके टीजर देखा जाए तो पहले लाइन में ये डायलॉग है कि भाई इंसान किसकी खोज कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। बहुत ही विम्सिकल क्वेश्चन है, आपको सोचने पर मजबूर करने वाला ये डायलॉग है। और इसके जो टीजर है या ट्रेलर देखने पर ऐसा लगता है कि भाई ये जो कहानी है वो कोंकण की है, वहाँ खोद की जो परंपरा थी। अभी आजकल लोगों को खोद क्या है ये शायद आज की पीढ़ी को पता नहीं होगा, लेकिन पहले हर गांव में खोद रहा करता था और उसका एक वजन हुआ करता था इस कोंकण क्षेत्र में। और खोद क्या कर सकता है, उसमें कितनी पावर है, वो कैसे लोगों को डराता है, धमकाता है, ये बहुत सारी चीजें थी और उसी पर आधारित ये फिल्म है गारुड़। अब गारुड़ ये फिल्म है वो पैसे पाने के लिए, यानी उसमें एक बहुत अच्छी लाइन है, स्वप्न शोध और स्वार्थ, ऐसे उसमें टीजर में दिखा है, एक क्लिप में दिखता है। तो इंसान के ख्वाब होते हैं और उसके लिए वो शोध रहता है, ढूंढते रहता है और उसका स्वार्थ होता है। इसी ये तीन वर्ड्स में ये फिल्म की कहानी एक कुछ ऐसे बता देते हैं कि भाई ये सब कुछ हो रहा है कि अपने सपने पूरे करने के लिए वो जो है वो ढूंढने के लिए निकलता है बंदा और अपना स्वार्थ ऐसे वो हासिल कर लेता है सब कुछ, ये इस टीजर से हमें लग रहा है। हालांकि टीजर की जो फिल्मांकन है, जिस तरह से लाइटिंग है, वो सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री लगते हैं क्योंकि वो एक बच्चा लग रहा है, यानी बंदा है लड़का जो जिसे कहते हैं कि भाई आपको पिता को मारना पड़ेगा, तो वो कुछ अच्छा लग रहा है भाई, कहानी में ट्विस्ट है तो वो, और उसमें मर्डर भी दिखाया गया है, तो क्या हो सकता है ये गारुड़ किसके पीछे लगा हुआ है। रेडियो पर 25 अक्टूबर को हमें पता चलेगा जब ये फिल्म रिलीज होगी। और प्रताप विठुराव सोनाड़े इन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है, डॉक्टर प्रमोद खाडिलकर इन्होंने ये फिल्म लिखी है गारुड़। और इसका जो टेस्ट है कलर का वो बहुत ही अलग टेस्ट लग रहा है मुझे इस टीजर से, तो लग रहा है इसमें थोड़ा लव स्टोरी है, इसमें थोड़ी सी ब्लैकमेलिंग है, इसमें एक चाहत है, इसमें स्वार्थ के लिए किए गए कुछ कारनामे हैं। तो टीजर पर ये तो लग रहा है कि भाई ये धमाल करेगी फिल्म, लोगों को डेफिनेटली भाएगी फिल्म। अभी कल 25 अक्टूबर की फिल्म रिलीज होने वाली है, तब हम ये फिल्म देखेंगे। और इसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा लग रहा है, सनशाइन स्टूडियोज ये फिल्म लेकर आ रही है आपके लिए। और ठीक है, आजकल का दौर है सस्पेंस थ्रिलर, यानी हिंदी का दौर था सस्पेंस थ्रिलर का, इसमें ये फिल्म मराठी में आ रही है। तो और खुद ये जो कहानी है जो कोंकण की है वो बहुत ही सस्पेंस हॉरर होगी, थोड़ी सी मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर है। लेट अस सी कैसे अब फिल्म जब रिलीज होगी तो पता चलेगा, लेकिन टीजर मुझे अच्छा लगा, बहुत ही अट्रैक्टिव टीजर है, बहुत अच्छी तरह से उसको एडिट किया है, कटिंग किया है और ऐसे लगता है कि भाई इसमें गिरीश कुलकर्णी है, शशांक शेंडे है, पायल पांडे है, तो ये सब कलाकार हमें दिखाई दे रहे हैं। और किस ढंग की फिल्म होगी ये तो रिलीज पर पता चलेगी, लेकिन डेफिनेटली ये आपको डरावना इफेक्ट जरूर देगी क्योंकि उसके डायलॉग से, खोद के जुबान से जो डायलॉग है, आप मुंबई से आए हैं, मुंबई में नहीं चल रहा है सब कुछ, ऐसे कुछ डायलॉग्स है। टीजर देखिए, इसकी लिंक मैं टीजर की देता हूँ आपको और अगर हो सके तो मैं टीजर भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन क्या है कि स्ट्राइक आ जाती है, कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए आजकल मैं टीजर अवॉइड कर रहा हूँ, लेकिन देखिए आप। तो अगला रिव्यू लिख के जल्दी आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद। लिवला होता ना एक अनोळखी माणूस, ये आपलं आयुष्य बदलून जा आज तो चार मुलता, कोणाला वाटत मी घाबरट आहे, कोणाला वाटत मी मुलगी आहे ना, मग मी बिंदास नाही राहिलं पाहिजे, मी माझ्या मर्यादा पाळल्या पाहिजेत। खोत असावं आपण, खोत। लहानपणापासून मला जी गोष्ट आवडत नाही ना ती टिकत नाही। आवडलेली प्रत्येक गोष्ट तुमच्या मुंबईत मिळत असे, इकडे नाही।
मनाने असलेल्या कुबत जागा मला आवडत नाहीत. याची राख करून टाकलं पाहिजे सगळं. असं काय करतास? कोणी गारूड केला? गर बाहेर पाऊस बरोचा. साटवाईनं जे लिहिलेलं आहे ना नशिबात तगाडताच. घबराव म्हणता रेस थरार अनुभवायचा आहे ना तुला. जा काम करायचं होतं ना ता नाही झाला का लक्षात येतं? आयुष्यात महत्वाचं असं कायच नसतं. तुझी बाग 25 एकराची आहे तर माणूस 6 फुटाचा असतो. मुलगा बापाला मारतो का हे बघण्यात खरा थरार आहे. इतक्या वर्षाचा सूत भळलो आपण, पटल्या आंब्याखाली खजिनं सापडलो, दस लक्ष मोरा हिरे पाणक. आयुष्यभर ज्यांनी गारूड घातला आपल्यावर अशी शोधत असलेली एखादी गोष्ट शेवटपर्यंत गावतच नाही तर ती भोसडीची गोष्ट तय नसतच कधी. राम नाम सत्य.